हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी क्वेश्चन डॉट एक्सएमएल को क्रिएट किए थे। मीन्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस एक्टिविटी, ये कंप्लीट हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम इसका जावा फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके जावा फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जावा में, एंड यहाँ पर आपको ऐप कॉम्प एक्टिविटी के नीचे आ जाना है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। आपको यहाँ पर तीन चीज़ें स्ट्रिंग में स्टोर कराना है, एक क्वेश्चन, एक आंसर एंड एक ऑप्शन। देखो, कोई भी अगर यूजर आता है तो उसे सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे एंड एक आंसर रहेगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो मैं जल्दी से इसको डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा स्ट्रिंग, इसमें आपको नेम देना होगा क्वेश्चन के नेम से क्वेश्चंस, एंड आपको यहाँ पे एरे को यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एरे इज इक्वल टू, आपको पास कर देना है ब्रैकेट एंड सेमी कॉलम के आपको क्लोज कर देना है। इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। बस यहाँ पे आपको स्ट्रिंग जैसे कि वैसे बाय डिफॉल्ट यूज करना है। यहाँ पे हम आंसर को यूज करेंगे। ये होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एरे का यूज कर लिया है क्वेश्चन आंसर एंड ऑप्शन के नेम से। ये होने के बाद आपको एक एक चीजें डिक्लेयर करना होगा, जैसे कि हमें टेक्स्ट व्यू, रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन, बटन बटन एंड टेक्स्ट व्यू, ये जो स्कोर रहेगा इसका भी टेक्स्ट व्यू डिफाइन करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये तीन चीजें आपको पहले सबसे पहले डिफाइन करना है, इसके बाद आपको टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। इसका नेम हम प्रोवाइड कर देंगे टीवी के नेम से। तो टीवी आपको दे देना है, एंटर करना है, एंड हमने दो बटन यूज किए थे, आपको बटन दिखा देता हूँ, एक नेक्स्ट एंड क्विट के नेम से। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैन्युअली टाइप करेंगे बटन, एंड इसका हम नेम प्रोवाइड कर देंगे सबमिट बटन, एंड एक का नेम हम प्रोवाइड कर देंगे क्विट बटन, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको रेडियो ग्रुप का भी यूज करना होगा, इसका नेम आपको प्रोवाइड करना होगा रेडियो जी, एंड आपको रेडियो बटन यूज करना होगा। तो रेडियो बटन हमने फोर यूज किए थे ए बी सी के नेम से, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे रेडियो बटन आर बी वन कॉमा आर बी टू कॉमा आर बी थ्री कॉमा आर बी फोर, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको अगेन जो टेक्स्ट व्यू रहेगा उसको भी डिफाइन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, ये इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो टेक्स्ट व्यू, तो इसको आपको प्राइवेट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको प्राइवेट एंटर कर देता हूँ, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है नेम इसका क्वेश्चन नंबर, एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद जैसे हम डिक्लेरेशन यहाँ पे करते हैं ऑन क्रिएट के अंदर में, सेम आपको डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइनल टेक्स्ट व्यू को, क्योंकि हमारा स्कोर चेंज नहीं होता, तो मैं फाइनल कर देता हूँ इसको। ये थर्ड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके, एंड एंटर बटन पे क्लिक करना है टेक्स्ट व्यू, एंड आपको इसका नेम प्रोवाइड कर देना है स्कोर के नेम से। स्कोर इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, कास्टिंग का हम इसमें यूज कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू फोर, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको अगेन टेक्स्ट व्यू का यूज करना है, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू कास्टिंग में टेक्स्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसमें आपको डिस्प्ले नेम जो क्वेश्चन नंबर होता है उसकी आईडी हम पास कर रहे हैं, एंड इसमें हम इंटेंट का यूज करेंगे, गेट इंटेंट का, इंटेंट
एंड इसका नेम हम प्रोवाइड कर देंगे इंटेन इज इक्वल टू गेट इंटेन एंड सेमी कॉलम से आपको इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो डिस्प्ले नेम है ये इसकी आईडी है। आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसकी आईडी है एंड ये जो टेक्स्ट व्यू 4 है इसकी आईडी है ओके स्कोर की। तो हमने दोनों भी चीज़ को डिफाइन कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन एक बार क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जावा में जाके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों भी चीज़ को डिफाइन कर दिया। ये होने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर को भी डिफाइन करना होगा। इसको एंड इसको तो हमने डिफाइन कर दिया। अगेन हमें क्वेश्चन नंबर को डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा क्वेश्चन नंबर। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको डिस्प्ले नेम तो इसको हम डबल डिक्लेयर कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर के नेम से। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इसका नेम क्या था डिस्प्ले नेम जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया। ये होने के बाद आपको दो बटन यूज करना है एक सबमिट बटन है एक क्विट बटन। तो मैं दे देता हूँ जो हमने यहाँ पे यूज किया सबमिट बटन इज इक्वल टू इसमें आपको कास्टिंग करनी होगी अगेन बटन फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करना है आपको आर डॉट आईडी डॉट इसमें आपको बटन 3 का यूज करना होगा एंड सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। बस ये सबमिट बटन की जगह आपको क्या यूज करना है क्विट बटन का। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्विट बटन एंड बटन 3 नहीं देना है यहाँ पे आपको बटन क्विट देना है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं आईडी चेक कर लेता हूँ इसकी आईडी हमने क्या प्रोवाइड की थी बटन क्विट के नेम से। तो बस यही आपको डिपेंड करनी है बटन क्विट एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट व्यू यूज करना है इज इक्वल टू एंड इसको कास्टिंग में डिफाइन करना होगा टेक्स्ट व्यू को। इसमें हम यूज करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू क्वेश्चन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड में आपको इसको पास कर देना है टेक्स्ट व्यू क्वेश्चन को एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली वर्क हो चुका है डिक्लेरेशन का। बस अभी हमारे बाकी है तो रेडियो ग्रुप एंड रेडियो बटन। तो एक एक करके मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। तो हम आ जाएंगे इसके नीचे एंड सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेडियो ग्रुप को। रेडियो ग्रुप इज इक्वल टू इसमें आपको कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा रेडियो ग्रुप फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट आंसर ग्रुप। आई थिंक आंसर ग्रुप ही नेम था मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो रेडियो ग्रुप था इसकी आईडी हमने डिफाइन की थी आंसर ग्रुप ओके एंड इसकी एक ही की थी रेडियो ग्रुप एंड इसकी 2 3 4। ऐसे हमें रेडियो बटन को भी अभी डिफाइन करना होगा। एक काम कर देता हूँ मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ RB1 को इज इक्वल टू रेडियो बटन को हम यूज करेंगे यहाँ से एंड हम प्रोवाइड करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट यहाँ से हम रेडियो बटन को पास कर देंगे एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी आपको कंट्रोल डी करना है। यहाँ पे जो RB1 यूज किए थे इसकी जगह आपको यूज करना है RB2 यहाँ पे यूज करना है RB3 एंड RB4। यहाँ पे रेडियो बटन 2 यूज करना होगा जैसे कि मैंने आपको आईडी इसकी दिखाई इसको 3 करना होगा एंड इसको 4 करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेडियो ग्रुप को भी डिफाइन कर दिया है। अभी हमें फ्लैग का यूज करना होगा जैसे हमने जब फायरबेस का यूज किए थे लॉगिन पेज में एंड फ्लैग के नेम से तो सेम यहाँ पे भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा इसको। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्राइवेट टेक्स्ट व्यू के नीचे। एक काम करते हैं हम स्ट्रिंग के नीचे इसको डिक्लेयर कर देंगे इंट इसका नेम आपको प्रोवाइड करना होगा फ्लैग इज इक्वल टू 0 एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको रेडियो ग्रुप के नीचे आ जाना है एंड ये जो है इसमें आपको सेट टेक्स्ट पास करना होगा। जो हमने फ्लैग जो किए थे यूज 0 तो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 ठीक है। तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट इसमें आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है क्वेश्चन
लिंक रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस एंड हम पास कर देंगे एरे में फ्लैग जो ऊपर में हमने यूज किया है। आपको यहाँ पे यूज करना होगा फ्लैग, फ्लैग प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ से एंटर कर देना है एंड यहाँ पे आपको यूज करना है RB1 डॉट सेट टेक्स में आपको ऑप्शन जीरो पास कर देना है, ऑप्शन एरे जीरो। आपको कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करना है, बस यहाँ पे जीरो के बाद आपको प्रोवाइड कर देना है 1 2 3। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सेकेंड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको पास करना है 1, यहाँ पे आपको पास करना है 2, यहाँ पे आपको पास कर देना है 3 एंड RB1 की जगह यहाँ पे आएगा 2, RB2 यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सभी को RB1 जो भी रेडियो बटन थे उसको सेट कर दिया है। ये होने के बाद आपको सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो एक्टिविटी क्वेश्चन डॉट एग्जामिनर है यहाँ पे कोई सबमिट कर देता है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक ऑन लिसनर यूज कर लेंगे। तो एक काम करेंगे, हम क्वेश्चन एक्टिविटी में चले जाते हैं एंड सबमिट बटन ये जो है इसको यूज करेंगे हम, सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, यहाँ पे आपको ऑन क्लिक लिसनर को प्रोवाइड कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर के मेथड आ चुके हैं। यहाँ पे हमें इंटेंट का यूज करना पड़ेगा, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, मार्क्स करेक्ट रॉन्ग जो भी हो उसको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे फ्लैग को 0, सेम आपको यहाँ पे यूज करना होगा पब्लिक स्टैटिक इंट। पहले तो हम मार्क्स जो होते हैं इसको 0 डिफाइन कर देंगे। ये होने के बाद आपको जो भी करेक्ट रहेंगे इसको भी डिफाइन करना होगा इज इक्वल टू 0 एंड इसके बाद हमें रॉन्ग को भी डिफाइन करना होगा, तो मैं रॉन्ग को डिफाइन कर देता हूँ इज इक्वल टू 0। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। एक्चुअली हमने इंटीजर को यहाँ पे प्रॉपर नहीं किया, हाँ तो अभी हो चुका है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे टोस्ट का यूज करना होगा। अगर सपोज एक भी क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं है, जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एंड कोई यूजर आ रहा है एंड नेक्स्ट बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर रहा है, तो उसको मैसेज शो होना चाहिए प्लीज सिलेक्ट वन चॉइस क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ की कंडीशन यूज करना होगा एंड वहां पे मैसेज शो करना होगा। इफ रेडियो ग्रुप जो हमने ऊपर में दिए थे डॉट गेट चेक रेडियो बटन बटन, ये होने के बाद आपको इज इक्वल टू -1 को यूज करना है एंड आपको ब्रैकेट प्रोवाइड कर देना है। इसमें आपको मैसेज प्रोवाइड करना होगा टोस्ट के नेम से, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ टोस्ट एंड इसमें हम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे प्लीज सिलेक्ट वन चॉइस। ये होने के बाद आपको रिटर्न को पास कर देना है नीचे में, तो मैं पास कर देता हूँ रिटर्न। इसके बाद हमें मेथड के बाहर आना होगा, बटन को भी डिक्लेयर करना होगा, तो हम पास कर देंगे ये रिटर्न ये जो है ब्रैकेट इसके बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम कैपिटल रेडियो बटन जो होता है इसको हम नेम दे देंगे आंसर के नेम से इज इक्वल टू, इसको आपको रेडियो बटन डिफाइन कर देना है इसमें एंड यहाँ पे भी यूज करना होगा आपको फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पे आपको यूज करना होगा रेडियो ग्रुप का डॉट गेट चेक रेडियो बटन, एक्चुअली इसमें शो नहीं हो रहा है तो हमें कैपिटल सी करना होगा चेक रेडियो बटन आईडी। यस, ये जो हमने यूज किए थे वही शो हो रहा है यहाँ पे एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करना होगा एंड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा आंसर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये जो ऊपर का आंसर है यू आंसर आपको यहाँ पे यूज करना होगा। तो एक काम कर देता हूँ मैं, प्रॉपरली आपको यूज करना है यू आंसर
जो हमने नेम रेडियो बटन का दिया था वही आपको यूज करना है। तो इसी के आप देख सकते हैं ये जो है वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया डॉट गेट टेक्स्ट एंड वहां से हम स्ट्रिंग को यूज कर लेंगे डॉट टू स्ट्रिंग एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा इतना कोड हो चुका है। अभी हमें एल्स की भी कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले काम कर देता हूँ मैं, इंक्रीमेंट कर देता हूँ करेक्ट को। तो हम प्रोवाइड कर देंगे इफ आंसर टेक्स्ट, अगर ये प्रॉपर रहता है आंसर टेक्स्ट डॉट इज इक्वल टू जो हमारा आंसर रहेगा उसको पास करना होगा। मैं पास कर देता हूँ आंसर्स एंड जो हमने फ्लैग यूज किए एरे में उसको यूज करना होगा। तो आंसर को सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपको एंड एरे में आपको पास कर देना है फ्लैग एंड इसके अंदर आपको कंडीशन यूज करनी होगी करेक्ट को इंक्रीमेंट करना होगा। तो मैं कर देता हूँ करेक्ट को इंक्रीमेंट एंड सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको टोस्ट को प्रोवाइड कर देना है, टोस्ट में आपको प्रोवाइड कर देना है करेक्ट तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी इफ की कंडीशन हमने इसको यूज कर लिया एंड करेक्ट को भी इंक्रीमेंट कर लिया। अभी हम प्रोवाइड कर लेंगे एल्स की कंडीशन को, एल्स में आपको ब्रैकेट दे देना है एंड यहाँ पे जो भी रॉन्ग रहेगा जो हमने ऊपर में यूज किए थे उसको इंक्रीमेंट कर देना है एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर देना है। सेम यहाँ पे इसको हम एक काम कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम करेक्ट की जगह हम रॉन्ग कर लेंगे रॉन्ग। तो अभी हमारा इतना वर्क हो चुका है बट इसको इंक्रीमेंट भी करना होगा हमें इस इफ के कंडीशन में, तो एल्स के बाहर आना पड़ेगा उसके लिए हमें एंड फ्लैग को इंक्रीमेंट करना होगा फ्लैग प्लस प्लस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है एंड अगेन हमको एंटर करना है इफ की कंडीशन यूज करना है स्कोर। तो इफ के कंडीशन में ये जो कंडीशन होती है जैसे इफ रेडियो जी डॉट गेट चेक रेडियो बटन हमने प्रोवाइड किए सेम आपको यहाँ पे स्कोर नॉट इक्वल टू नन पास कर देना है यहाँ पे। तो स्कोर नॉट इक्वल टू नन एंड मैं सेमी कॉलम सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट प्रोवाइड कर दूंगा एंड हमें पास करना होगा करेक्ट स्कोर डॉट सेट टेक्स्ट कॉमा पास करना है आपको एंड जो भी आंसर रहेगा उसको करेक्ट में पास कर देना है। ओके जैसे कि अभी हमारा कम्प्लीटली हो चुका है बट यहाँ पे कॉमा पास नहीं करना है आपको, पास करना होगा प्लस का सिंबल। हाँ तो अभी इतना होने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है इसके नीचे करेक्ट के नीचे एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ एंड हम जो भी क्वेश्चन लिंक्ड होती है उसकी हम लूप चलाएंगे। तो इफ फ्लैग लेस देन क्वेश्चन डॉट लेंथ जितनी भी हमारी रहेगी तो आपको पास कर देना है क्वेश्चंस डॉट्स लेंथ एंड इसमें आपको कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। तो कंडीशन में एक काम कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को पास कर देता हूँ डॉट सेट टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड इसमें मैं पास कर देता हूँ फ्लैग को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको एरे क्रिएट करना होगा एंड फ्लैग को पास कर देना होगा, आपको एंटर करना है ऐसे रेडियो बटन पास करना है आपको रेडियो बटन डॉट सेट टेक्स्ट ऑप्शंस एंड एरे पास करना है आपको फ्लैग एंड आपको यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल देना होगा फोर। तो हमारा रेडियो बटन वन का तो वर्क हो चुका है, वैसे हमें रेडियो बटन टू थ्री फोर के लिए करना है। तो कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे रेडियो बटन टू का यूज़ कर लेता हूँ, नीचे में रेडियो बटन थ्री का यूज़ कर लूँगा एंड यहाँ पे रेडियो बटन फोर का यूज़ करूँगा। ये होने के बाद आपको रेडियो बटन
ऐड का सिंबल कर देना है प्लस वन, एंड नीचे में प्लस टू यूज करना होगा, एंड नीचे में प्लस थ्री का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्लस थ्री। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर डॉट सेट टेक को पास करना होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है इसको हम पास करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट। इसमें हम फ्लैग को प्रोवाइड कर देंगे, तो फ्लैग हम प्लस का भी सिंबल दे देंगे, एंड इसको पास करना आपको स्लैश प्लस क्वेश्चन डॉट लेंथ, क्वेश्चन डॉट लेंथ, एंड आपको अगेन प्लस का सिंबल देना है, एंड इसमें स्ट्रिंग को पास कर देना, एंड इसमें आपको पास कर देना है क्वेश्चन यूनिक के बाद आपको एंटर करना है, एंड इफ के बाद आपको प्रोवाइड कर देना है एल्स। एल्स में आपको ब्रैकेट प्रोवाइड कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन आ चुकी है। तो एल्स के कंडीशन में आपको मार्क्स जो हमने ऊपर में प्रोवाइड किए थे उसको करेक्ट में ऐड करते जाना है। मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट सेमी कॉलम, इंटेंट का यूज करना होगा हमें, ये सभी प्रॉपर रहता है तो रिजल्ट एक्टिविटी हमें शो होनी चाहिए। तो हम पास कर देंगे इंटेंट, इसका नेम हम प्रोवाइड कर देंगे आई एन इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, एंड इसमें जिस एक्टिविटी में उस एक्टिविटी का नेम मीन्स क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट दिस, या फिर आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट को भी प्रोवाइड कर सकते हो, एंड जिस एक्टिविटी में हमें जाना है रिजल्ट डॉट। तो एक्चुअली यहाँ पे एरर शो होगा क्योंकि हमने इस एक्टिविटी के नेम से कोई भी क्रिएट नहीं किया है। ओके, तो रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास सेमी कॉलम, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, जो भी हमने नेम प्रोवाइड किया था उसको आई एन को हम पास कर देंगे आई एन। इसके बाद हम एल्स के बाहर आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको रेडियो ग्रुप को चेक कर लेना है, रेडियो डॉट जी डॉट क्लियर चेक, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा इतना वर्क हो चुका है, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जिस प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड ये जो रिजल्ट एक्टिविटी है ये क्रिएट नहीं हुई है इसलिए एरर शो हो रहा है। तो इस एक्टिविटी को मैं क्रिएट कर लेता हूँ अभी। आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। कंट्रोल ए करना है एंड एक्टिविटी का नेम एंटर पास कर देना है, तो रिजल्ट एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसके बाहर आ जाना है, एंड जो क्विट बटन रहेगा हमने जो भी यहाँ पे एंटर किया इतना कोड ये सभी किसके लिए था, तो नेक्स्ट बटन के लिए। अभी हमें क्विट बटन के लिए भी कुछ कोड एंटर करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं इस मेथड के बाहर में, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे क्विट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो आपको टाइप करना है क्विट बटन डॉट सेट न्यू, आपको न्यू पास कर देना है, एंड यहाँ पे आपको पास कर देना है मेथड जो भी मेथड रहेगी व्यू ऑन क्लिक लिसनर। हम यहाँ पे इंटेंट का यूज करेंगे, तो इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट। तो एक काम कर देते हैं हम डायरेक्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही प्रोवाइड कर देते हैं इसमें, एंड किसमें जाएंगे हम रिजल्ट एक्टिविटी में क्विट करने के बाद, तो सेम हमें प्रोवाइड करना होगा रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है, एंड स्टार्ट एक्टिविटी में आपको इंटेंट को पास कर देना है। तो मैं पास कर लेता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट वन को आपका यूज करना है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इंटेंट वन। तो अभी हमारा क्विट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का भी कोड कम्प्लीट हो चुका है, एंड हमारा जो क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जावा का कंप्लीट कोटा क्रिएट हो चुका है। तो हमने कुछ नहीं बस दो बटन यूज किए इसमें,
एंड कुछ टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किए। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन है उसको हमें डिफाइन करना होगा इसमें। तो एक काम करना होगा, हमें स्ट्रिंग क्वेश्चन में आना है आपको, एंड इसके नीचे आपको ये करना है एंटर, एंड आपको स्ट्रिंग का जो सिंबल होता है वो आपको पास कर देना है। तो मैं स्ट्रिंग का सिंबल पास कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कॉमा पास कर देना है, इसके अंदर में सभी हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो एक काम कर देता हूँ, हम 5 क्वेश्चन ले लेंगे। तो मैंने सभी पे कंट्रोल डी प्रोवाइड कर दिया, एंड लास्ट में आपको कॉमा का यूज नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। सेम आपको आंसर में भी प्रोवाइड करना है, तो हमारे आंसर भी एक ही रहेगा, इसलिए आपको स्ट्रिंग का सिंबल देना है, कॉमा पास कर देना है, एंटर कॉमा, एंटर स्ट्रिंग का सिंबल कॉमा, एंटर स्ट्रिंग का सिंबल कॉमा एंड स्ट्रिंग का सिंबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी हो चुका है एंड हमारा आंसर भी हो चुका है। तो अभी हमें ऑप्शन का यूज करना होगा, तो स्ट्रिंग कॉमा, स्ट्रिंग का सिंबल कॉमा, एक्चुअली देखो बट ऑप्शन 4 होते हैं, तो हमें ऐसे 4 क्रिएट करना होगा। तो कॉमा पास करूंगा, स्ट्रिंग का सिंबल 4, स्ट्रिंग 4। आई होप आपको समझ रहा है कि मैं एग्जैक्ट क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे, जैसे क्वेश्चन एक ही होता है हमारा, आंसर एक ही होता है, बट जो हमारे ऑप्शन रहते हैं वो 4 रहते हैं, इसलिए हमने ऐसे क्रिएट किए। तो एक काम करेंगे, हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड 5 टाइम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑप्शन में डिफाइन कर दिया है। अभी हम क्वेश्चन आंसर एंड ऑप्शन को पेस्ट कर देंगे, बट आपको ध्यान में रखना है इसका जो कॉमा है इसको रिमूव करना है लास्ट का। तो मैं एक वेबसाइट में चले जाता हूँ एंड वहाँ से हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से सबसे पहले तो इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं क्रोम पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सी लैंग्वेज MCQ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, ये आपको टाइप करना है। तो आपको ये जो सी लैंग्वेज MCQ दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको कॉपी करते जाना है। एक काम कर देता हूँ, मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज करेक्ट व्हेन अ माइक्रो डेफिनेशन इंक्लूडेड, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा, इस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये होने के बाद अगेन आपको क्रोम में आ जाना है, यहाँ से आपको आंसर को भी कॉपी करना होगा। तो एक काम करेंगे हम, ये जो ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इसको हम जैसे कि वैसे कॉपी कर लेंगे एंड आंसर में हम टाइप कर देंगे, कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं। एंड आपको ऑप्शन में ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी ऑप्शन को कॉपी करना होगा। तो ऑलरेडी हमने एक को तो कॉपी कर ही दिया है, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी। इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको हम स्क्रॉल करेंगे एंड इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। एक्चुअली ये देयर, हाँ यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हो चुका है, यहाँ पे देयर का टी हमने अच्छे से पेस्ट नहीं किए थे तो पेस्ट कर दिए एंड यहाँ पे अगेन ऑप्शन कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। प्रोजेक्ट में आने के बाद इसको भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेम यहाँ पे आंसर पेस्ट किए एंड यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहते फॉर वो पेस्ट कर दिए। तो ऐसे में जल्दी जल्दी चारों को भी फिल कर देता हूँ, क्वेश्चंस, आंसर्स एंड जो भी ऑप्शन रहेगी इसको मैं फिल कर दूंगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन यूज कर लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो आंसर ऑप्शन, ऐसे आप 20, 25, 50 ऐसे कितने भी इंक्रीज कर सकते हो क्वेश्चंस को। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं, कॉमा पास करना होगा एंड बस स्ट्रिंग का सिंबल देना होगा एंड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको पास कर देना है, सेम आपको आंसर में करना है एंड ऑप्शन में पास कर देना है। बस मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन को ही इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि आपको समझाने के लिए इसमें काफी टाइम लगता है कॉपी एंड पेस्ट करने में, बस आपको समझाना मेरा मेन मोटिव है। आई होप अभी आपको इतना समझ गया होगा। तो अभी हमारा कम्प्लीटली क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जावा का जितना भी वर्क था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, जैसे कोई नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा ओके एंड उसके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो उसको एक रिजल्ट शो होना चाहिए रिजल्ट एक्टिविटी में। तो इसका फ्रंट एंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं एक्टिविटी रिजल्ट एक्टिविटी डॉट एग्जामिन में। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।